थैंक यू सो मच आप सबने मुझे बर्थडे विशेष दी और मेरे लिए ब्लेसिंग्स भेजी मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं आप सबको बोलना चाहती हूँ कि शहनाज के साथ हमेशा मौज करते रहना और मेरा हैश टैग मौज शहनाज हमेशा यूज करो एंड ऐसे ही मेरे लिए प्रे करते रहो आई लव यू ऑल आंसू लगती मेरे लिए तो तू तो हमेशा यही है भाण में जाओ मैं तुम लोग से यहाँ पे रिश्ता बनाने नहीं, नहीं आया समझ में आया ना तेरा बाप हिंदुस्तान की शहनाज गिल जी हाँ दोस्तों ये तो सभी जानते हैं कि शहनाज गिल माता रीटा शुक्ला की कितनी दिल से इज्जत करती हैं लेकिन पिछले दिनों दोस्तों शहनाज गिल ने माता रीटा शुक्ला को लेकर कुछ ऐसी बातें बोल दी जिससे सबकी नजर में माता रीटा शुक्ला का दर्जा और भी ऊंचा हो गया जी हाँ दोस्तों सब कुछ डिटेल में आपको खबर देंगे उससे पहले रिक्वेस्ट बिग बॉस पंद्रह समाप्त होने के बाद मीडिया कर्मियों के सवालों का जवाब देते हुए पंजाब की कैटना कैफ हिंदुस्तान की शहनाज गिल ने रीटा माँ को एक तरह से भगवान ही बना डाला जी हाँ सही सुना आपने शहनाज ने कहा कि आज वो जो भी कुछ हैं और अगर आज कामयाब होकर यहाँ तक पहुँची हैं तो इसकी सबसे बड़ी वजह माता रीटा शुक्ला है जी हाँ सूत्रों के मुताबिक शहनाज ने यह भी कहा कि सिद्धार्थ के जाने के बाद उनके जीवन में घनघोर बादल छा गए थे उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था ऐसे में रीटा माँ उनके जीवन में देवी बनकर आई और जीवन के हर मार्ग पर उनका मार्गदर्शन किया उन्होंने मुझे मजबूत बनकर लड़ना सिखाया उन्होंने मुझे अच्छे बुरे का बोध करवाया उनके बिना ये सब संभव हो पाना बहुत ही मुश्किल था सिद्धार्थ के जाने के बाद रीटा माँ ने मुझे अच्छे से संभाला मुझे मोटिवेट किया उन्होंने मुझे सिड की कमी नहीं महसूस होने दी और आगे बढ़ने के लिए मुझे मोरल सपोर्ट रीटा माँ से ही मिला उन्होंने मुझे कभी भी कोई काम करने से नहीं रोका और सिद्धार्थ के इस दुनिया से जाने के बाद भी एक परिवार के सदस्य की तरह मेरा ख्याल रखा और हर सुख दुख में मेरे साथ शुक्ला परिवार कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ खड़े रहे सच में रीटा माँ एक आइडल लेडी हैं उनके जैसी स्ट्रोंग लेडी बहुत ही कम है इस दुनिया में शी इज ए वेरी डाउन टू द अर्थ मुझे कभी ये एहसास नहीं हुआ कि मैं अपने घर में नहीं हूँ सच में रीटा माँ जैसी दूसरी औरत मिलना आज के ज़माने में काफ़ी मुश्किल काम है वो मीडिया और सोशल मीडिया से काफ़ी दूर रहती हैं और अपना अधिकांश समय ब्रह्म कुमारीज में और सोशल एक्टिविटीज में गुजार देती हैं दोस्तों इतना ही नहीं रीटा माँ और शहनाज का प्यार किसी से नहीं छुपा है सारे रस्में जो हैं सिद्धार्थ के गुजरने के बाद उनकी अंतिम रस्में जो हैं उसका हक भी रीटा माँ ने शहनाज को दिया था ये तो सभी जानते हैं और अंदर मीडिया कर्मियों को जाने से मना भी कर दिया था उस वक्त में अंतिम समय में सिद्धार्थ के शहनाज ने सारी रस्में निभाएं जो एक पति अपने पति के लिए निभाती हैं और ये खबर जो है वायरल भी हुई सोशल मीडिया पर तो रीटा माँ शहनाज को क्या मानती हैं ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं क्योंकि जो एक सिद्धार्थ के लिए जो शहनाज ने किया और शहनाज ने जो है सारी रस्में निभाई उसे देख तो आप भी समझते हैं अच्छे से और जब ब्रह्म कुमारी शिवानी दीदी से लाइव जब आकर शहनाज ने बातें की थी तो उसमें भी शहनाज ने साफ साफ शब्दों में कहा था कि शुक्ला परिवार की मैं शुक्रगुजार गुजार हूँ एहसान है उनका मेरे ऊपर जो मुझे उन्होंने सही रास्ता दिखाया और ब्रह्म कुमारी से हम हमें मिलवाया और ब्रह्म कुमारी आश्रम लेकर गए थोड़े दिन पहले भी दोस्तों एक महीना पहले भी एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें कि सिद्धार्थ की बहन रीटा माँ और शहनाज उस वीडियो में बिल्डिंग के नीचे दिखाई दे रही थी सफ़ेद कलर के कपड़ों में जो कि वो ब्रह्म कुमारी एक साथ ही गए थे और हर हफ्ते जाती है अब तो सना ब्रह्म कुमारी और तस्वीरें जो हैं अपने सोशल मीडिया पर भी अपने फैंस के साथ शेयर करती हैं कुछ ज्ञान कुछ बातें कुछ अच्छी बातें आत्माओं से जुड़ी बातें जो है शहनाज ने अभी सलमान को भी सिखाया और सलमान के सिर के ऊपर से वो सारी बातें गुजरी क्योंकि शहनाज का समझाने का तरीका ही कुछ ऐसा होता है लेकिन जो भी तरीका होता है दोस्तों काफ़ी क्यूट होता है जिसे सुनकर सभी प्रभावित जरूर होते हैं आजकल जो है शहनाज खूब सोशल मीडिया पर ज्ञान बांट रही हैं कभी यश राज मुखाटे के साथ वीडियो बनाते हुए तो कभी सलमान खान को और अब जो है सलमान का बहुत बड़ा सपोर्ट है शहनाज़ को और बताई जा रही है कि सलनाज की जोड़ी जो है खूब पसंद की जा रही है सोशल मीडिया पर सभी जानते हैं चाहते हैं कि शहनाज और सलमान शादी कर लें और तो और दोस्तों सलमान ने यह भी कहा था बिग बॉस पंद्रह फिनाले में शहनाज से कि रीटा माँ से उनसे उन फ़ोन पर बात हो जाती है एक हफ़्ते में और टाइम टू टाइम पूछते रहते हैं वो हाल चाल सिद्धार्थ की माँ से तो रीटा माँ और शुक्ला परिवार से जो है सलमान जी का रिश्ता जो है काफ़ी मजबूत है बॉन्ड काफ़ी अच्छा है और हर चीज़ का जो है शहनाज़ का भी ख्याल रखते हैं सलमान और दो तीन प्रोजेक्ट जो हैं सलमान ने वो शहनाज को दिलवाई भी हैं और आजकल शहनाज ने सलमान का कैंप भी ज्वाइन कर लिया तो आप जानते ही हैं जो सलमान का कैंप ज्वाइन कर लेते हैं उनका तो बेड़ा पार हो ही जाता है बॉलीवुड के अंदर और अब तो शहनाज जो है शहनाज की इच्छा थी कि मैं मनीष मल्होत्रा के जो है कपड़े पहनूं उनके डिज़ाइन किए हुए ज्वेलरी पहनूं तो सारी इच्छाएं सारी विशिश जो हैं वो पूरी हुई हैं शहनाज की और खुद उन्होंने कैप्शन मेंशन करके जो है उन्होंने शेयर भी किया कि मेरी इच्छा जो है वो पूरी हुई और उनका ड्रीम था कि मनीष मल्होत्रा के वो डिज़ाइन किए हुए कपड़े पहने तो पिंक कलर की साड़ी जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर वो शहनाज ने जो पहनी है वो मनीष मल्होत्रा की है और दोस्तों इतनी महंगी इतनी कीमत है इस साड़ी की इतने कीमत में एक घर आ सकता है एक बंदे का इतना ज़्यादा जो कीमती ये साड़ी है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर जिसे पहन शहनाज जो है बेहद खूबसूरत लग रही हैं और पिंक कलर की साड़ी में वाकई ही बहुत खूबसूरत लग रही है वेल कैसी लग रही है ये ज़रूर बताइएगा आप कमेंट करके और दोस्तों आपको बता दें शहनाज ने आज जो है कुछ तस्वीरें अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की हैं जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं एक से बढ़कर एक और इसकी खासियत ये है कि शहनाज ने इन तस्वीरों के साथ जो है एक से बढ़कर एक कैप्शन मेंशन किया है जिसे पढ़कर आपको बेहद खुशी होगी जी हाँ मैं आपको पढ़कर बता देती हूँ शहनाज इन तस्वीरों को शेयर करते हुए लिखती हैं लव पावर ब्लिस और हैप्पीनेस एंड प्योरिटी सच में गाइज जब शहनाज जो है सिद्धार्थ के लिए कुछ परफॉर्मेंस करती हैं या कुछ भी करती हैं कोई एल्बम बनाती हैं तो उन्हें ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं सुकून देता है और वही जो है शेयर की हैं शहनाज ने ये तस्वीरें जो देख रहे हैं ख़ास उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शहनाज़ ने बिग बॉस पंद्रह के दौरान अपने सिद्धार्थ को ट्रिब्यूट दिया था और सिद्धार्थ के लिए जो उन्होंने गाना गाया था हैबिट सॉन्ग जो कंप्लीट किया था सिद्धार्थ का हैबिट सॉन्ग जो अधूरा रह गया था उस वक्त की जो ये तस्वीरें हैं वो शेयर करते हुए शहनाज ने अपनी फीलिंग्स जो है अपने फैंस के साथ शेयर की हैं जी हाँ पावर हैप्पीनेस प्योरिटी लव ये सब कुछ जो है शहनाज के अंदर है और सिद्धार्थ को याद करके वो फील करती हैं इन सभी चीज़ों को उन्हें सुकून देता है ये सब कुछ जब भी वो सिद्धार्थ के लिए कुछ करती हैं तो वेल दोस्तों आप क्या कहना चाहेंगे रीटा माँ और शहनाज की बॉन्ड को लेकर जोड़ी को लेकर इनकी जो मज़बूत जोड़ी है प्यारी सी जोड़ी है माँ बेटी की जरूर बताइएगा कमेंट करके कैसी लगती है आपको और साथ ही आपको बताना चाहेंगे कि राखी सावंत ने भी शहनाज की तारीफों के पुल बांधते हुए काफ़ी कुछ कहा है और राखी सावंत की पूरे सोशल मीडिया पर जो है वाहवाही हो रही है जब से राखी सावंत ने शहनाज को लेकर इतनी प्यारी बातें कही आगे वीडियो में आप सुन सकते हैं राखी सावंत के खुद जुबानी जो उन्होंने शहनाज के लिए प्यारी सी बातें कही हैं शहनाजु रॉक स्टार है और हिंदुस्तान की दिलों की धड़कन है इज अमेजिंग और मुझे लगता है कि शहनाज uh, शहनाज सीट को तो हम कभी नहीं भूल पाएंगे वो हमारे दिलों में दिमाग में है वो हमारे साथ है वो कहीं नहीं गया है बट अभी शेरअप और अभी धमाका करो जैसे अभी आपने फिनाले में धमाका किया था वैसे